नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण का विरोध करना ग्राम सभा के सदस्यों को पड़ा महंगा। पुलिस ने ग्राम सभा सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को दिलाई गई शपथ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्व उपायुक्त और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। 1980 बैच के एस अफसर थे सजल चक्रवर्ती। विकास योजना को गुणवत्ता पूर्वक धरातल पर उतारने के लिए गांव स्तर पर निगरानी करने को तो सरकार कई मंचों से कह गठजोड़ से सरकार की मंशा फेल हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुदूरवर्ती मनोहरपुर प्रखंड में काम का विरोध जब ग्रामीण सभा ने की तो उनके ऊपर ही केस दर्ज करा दिया गया। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुदूरवर्ती सारंडा में सरकार विकास योजनाओं को गति देने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में दीपा पंचायत के रायकेरा से तरतरा गांव तक 3.5 किलोमीटर की जर्जर हो चुकी सड़क का है। ग्राम सभा ने ठेकेदार द्वारा इस घटिया कार्य का विरोध करना गांव वालों को इतना महंगा पड़ा कि पुलिस ने ग्राम सभा के पदाधिकारियों के ऊपर धारा 107 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। एकेरा से तरतरा जो रोड बन रहा है, हम सभी ग्रामीणों के द्वारा घटिया सड़क बनाने को लेकर के पुल गढ़वाल घटिया बनाने को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसमें ठेकेदार अपने दो बेटों को लेकर के मारपीट का धमकी देते हुए ग्रामीणों के साथ मारपीट किया, जिसमें हम सभी ग्रामीणों ने उसका बचाव किया, जिसमें पुलिस प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर 107 धारा लगा दिया गया है। इस घटिया सड़क निर्माण की शिकायत तरतरा ग्राम सभा ने 8 अक्टूबर को ही REO के कार्यपालक अभियंता से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक को पत्र भेजकर की थी, परंतु ठेकेदार एवं अभियंताओं के गठजोड़ ने इनकी शिकायत को ध्यान न देकर सड़क की घटिया निर्माण कार्य जारी रखा। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी तथ्यों की जांच किए बिना ही विरोध करने वाले ग्राम सभा के सदस्यों के ऊपर धारा 107 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। रायकेरा से तरतरा सड़क की घटिया निर्माण का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। ग्राम सभा की बैठक कर ग्रामीण सड़क निर्माण के ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रहे हैं। सड़क काफी घटिया किस्म का बन रहा है। सड़क का जांच उच्च स्तरीय होना चाहिए। ठेकेदार को अब ग्राम सभा के तल्ख तेवर देख सड़क निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले REO के कन्या अभियंता के भी सुर बदल गए हैं। पहले इसी निर्माण कार्य को सही ठहराने वाले कन्या अभियंता अब इस कार्य की जांच वरीय अधिकारियों द्वारा किए जाने की बात कहकर मामले को टालने का प्रयास कर रहे हैं। हमको यहाँ ये चाहिए उसके अनुसार, तो फिर एक बार सुपरविजन होगा वरीय पदाधिकारी का। हम लोग कर रहे हैं, जैसे हमको बता दिए ना, हम लाएंगे उन लोग को, वो लोग लिख देंगे कि यहाँ पर जो है सही में आवश्यकता है, यहाँ पर वो लोग करके तब उसका फिर पास हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा।
घटिया निर्माण कार्य का विरोध जताकर ग्राम सभा ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई बल्कि प्रशासन से अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। ग्राम सभा सदस्यों के ऊपर कार्रवाई किया जाना न सिर्फ उन्हें हतोत्साहित करने वाला है बल्कि घटिया कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रशासन लोजपागार के तहत जिले के आम लोगों को दूरभाष पर सीधे संपर्क कर अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण करने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन लोजपागार कार्यक्रम 6 नवंबर को 11 बजे सुबह से शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत जिले के आम लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान दूरभाष पर संबंधित विभाग से कर सकते हैं। इसके लिए दूरभाष संख्या 9334741321 पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित योजनाओं के अलावे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निष्पादन कर सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने मनरेगा अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए शपथ दिलाया। इसके साथ ही कार्य शुरू करने से पहले कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करते हुए दूसरों को प्रोत्साहित करने का भी संकल्प लिया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिले में मनरेगा से संचालित योजनाओं में लगे श्रमिकों के द्वारा कार्य शुरू करने से पहले इस संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया जा रहा है, जिसके तहत कोरोना वायरस के संकट काल के दौरान सतर्क रहने के लिए मास्क का नियमित प्रयोग और कार्यस्थल पर 2 गज की दूरी बनाए रखने का शपथ लिया जा रहा है। उन्होंने कार्य प्रारंभ करने के दौरान कार्य में लगे सभी श्रमिकों को साबुन और पानी से नियमित हाथों की सफाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। बालाजी नमकीन सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चैम्बासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध हैं। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और
कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्व उपायुक्त और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का बेंगलुरु 1980 बैच के आईएएस अफसर रहे। सजल चक्रवर्ती कई वजहों से हमेशा चर्चा में रहे। सजल चक्रवर्ती हमेशा अलग राह पर चले, प्रोटोकॉल में विश्वास नहीं रखते थे। चैम्बासा में जब वे उपायुक्त थे तो कई वजहों से चर्चा में रहे। घुड़सवारी, कचहरी तालाब में तैराकी, शराब दुकान में छापामारी के अलावा कई वजहों से चर्चा में रहे। जब वह रांची के उपायुक्त थे तब उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी लोगों को अनुबंध पर नौकरी दी थी। चारा घोटाले की जब परत खुली तो उसकी आंच उन तक भी पहुंची, जिसके कारण लंबे समय तक सस्पेंड रहे। चैम्बासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें सजा भी हुई। सिविल एविएशन सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने कई काम भी किए। उन्हें जानवरों से बेहद लगाव था। उन्होंने रांची स्थित अपने घर में कई बंदर भी पाल रखे थे। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग ने बंदरों को ओरमांझी जू भेज दिया था। आईएएस बनने से पहले उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी। कुछ विवादों को छोड़ दे तो सजल चक्रवर्ती एक स्मार्ट ऑफिसर और अच्छे इंसान थे। चैम्बासा शहर में पिछले दो दिनों से पेयजल की आपूर्ति बाधित है। इस कारण आम जनता परेशान है, लेकिन पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल कान में तेल डालकर सो रहा है। पर्व त्योहार का आगमन हो चुका है, ऐसे में जलापूर्ति बाधित रहने के कारण काफी कठिनाई हो रही है। इस संबंध में विभाग की ओर से कोई पूर्व सूचना भी शहर के लोगों को नहीं दी गई। इस कारण लोगों में काफी नाराजगी है। सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कहा कि किस कारण पेयजल आपूर्ति ठप हुई। जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो पता चला कि जमशेदपुर की कंपनी जेमिनी इंटरप्राइजेस पेयजल आपूर्ति का काम कर रही थी, लेकिन कुछ भुगतान बकाया होने और कुछ दिनों पहले दूसरी कंपनी को जलापूर्ति का टेंडर दिए जाने के कारण ऐसी स्थिति हुई है। शहर में बुधवार की संध्या में तथा गुरुवार को प्रातः में पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा जो पेयजल आपूर्ति करवाई जाती है पानी के जो उपभोक्ता हैं उनसे जब बातचीत की पता चला कि ये पानी सप्लाई बंद है। जब विभाग से इसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि कोई जेमिनी इंटरप्राइजेस जो ठेकेदार है विगत चार वर्षों से पानी की सप्लाई करवाने के कॉन्ट्रेक्टर के काम करते हैं, उनको ये टेंडर नहीं मिल पाया। रांची के कोई कॉन्ट्रेक्टर को मिला है तो वो अपना आके प्रक्रिया शुरू करेंगे तब पानी की सप्लाई होगी। मगर इन सब चीज़ों के लिए मैं दोषी मानता हूँ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को। कम से कम उन्हें इस सब चीज़ों में रुचि लेके देखना चाहिए था। पर्व त्योहारों का आगमन पूर्व से ही हो चुका है, व्रत है, त्योहार है, अभी दिवाली है, उसको लेके सभी घरों में प्रतिष्ठानों में रंग रोगन का कार्य चल रहा है। सभी लोग पानी पर ही निर्भर रहते हैं, अधिकांश जनता तो पानी नहीं रहने से अभी सफाई के काम भी बाधित होंगे। अब पर्व त्योहार में बहुत पूजा अनुष्ठान में भी इसका असर पड़ता है, तो पानी सप्लाई नहीं होने से जब इसकी जानकारी जब विभाग को हुई है उनके द्वारा एक पल्ला झाड़ने की नियत से कहा गया कि शाम को चालू हो जाएगा, दिन में चालू हो जाएगा। मगर अभी संध्या लगभग 6 बज रहे हैं, मगर अभी तक तो पानी की सप्लाई शहरी क्षेत्र में नहीं हो पाई है, ये जानकारी है। और हम लोगों की बात यही है कि पूर्व में भी अंडरग्राउंड वायरिंग को लेकर जब पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई तो मेरे द्वारा मुखर होकर मामले को उठाया गया था। माननीय विधायक चैबासा के दीपक बिरवा को भी जानकारी दी गई, कई जगह स्थल निरीक्षण भी किया गया था तो उसमें भी कहा गया था कि इसमें जो संवेदक जो है बगैर एनओसी का लेके इस तरह अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, मगर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा एजेंसी के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई। शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से रहे, यही हाल शहरी जलापूर्ति योजना का भी है। कई वर्षों से उसका रेट का कोटेशन खाली बढ़ते ही जा रहा है, मगर पूर्ण रूप से शहरी जलापूर्ति योजना पूर्ण नहीं हो पाई है। शहर के लोगों को क्या चाहिए? स्वच्छ पानी चाहिए, समय से पानी चाहिए। जनसंख्या समाधान झारखंड प्रदेश कमेटी द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों के लिए जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। रितेश कुमार प्रसाद को पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
चाईबासा के कार्यकर्ताओं द्वारा नव मनोनीत जिला अध्यक्ष को अंग वस्त्र पुष्प गुच्छ देकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। नए जिला अध्यक्ष को 15 दिनों के अंदर जिला कमेटी का गठन करने को कहा गया है। तातनगर मंझारी और सदर प्रखंड के करीब 70 किसानों को परवल की खेती दिखाने के लिए राजनगर के कौशिक मोहंती के फर्म पर ले जाया गया। इस दौरान कौशिक मोहंती द्वारा किसानों को परवल की खेती का प्रशिक्षण और मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। परवल की खेती के लिए करीब 100 से अधिक किसान तैयार हो चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का छापामारी अभियान लगातार जारी है। थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक के नेतृत्व में कांगिरा नदी के किनारे बनाए गए अवैध शराब की भट्टी को और जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। तुरली नाला के किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखे गए जावा महुआ को भी पुलिस ने नष्ट कर दिया। नदी का फायदा उठाते हुए अवैध शराब का कारोबार करने वाले उड़ीसा सीमा की ओर भाग निकले। थाना प्रभारी ने स्थानीय लोगों से अपील किया कि शराब का सेवन ना करें, इससे मानसिक और शारीरिक क्षति होती है। उन्होंने शराब कारोबारियों के खिलाफ ग्रामीणों को आगे आने की अपील की। आइए एक बार फिर रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण का विरोध करना ग्राम सभा के सदस्यों को पड़ा महंगा। पुलिस ने ग्राम सभा सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को दिलाई गई शपथ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्व उपायुक्त और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सदल चक्रवर्ती का बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। 1980 बैच के आईएएस अफसर थे सदल चक्रवर्ती। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।